आज शेर की तरह एक दहाड़ है, पूरे देश में दहाड़ है, उस सत्य की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। फिर तुम करो तो न्यारी लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला, ये कहां का इंसाफ है। लोगों की ताकत लोगों तक नहीं, चंग पूंजीपतियों तक सीमित होकर रह गई है दोस्त। मैं जिंदगी में एक बार मरूंगा, बार बार कायर मरते हैं, समझे नहीं, मुझे किसी भी जेल में डालो। उन संस्थाओं को लोक भलाई के लिए काम करने के लिए नहीं, उन संस्थाओं को रबड़ के गुड्ढे बना दिया गया है और वो रबड़ के गुड्ढे चाबी देके छोड़ दिए गए हैं। ये नवजोत सिद्धू अपने परिवार के लिए नहीं लड़ रहा, आज संस्थाएं गुलाम हैं। 70-75 साल पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो चट्टान की तरह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़े रहे हैं, उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था, उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, कितने नाम गिनूं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आज उन पूर्वजों की प्रेरणा लेकर राहुल गांधी आज लोकतंत्र की बेड़ियां काट रहा है, संस्थाओं की बेड़ियां काट रहा है। आज शेर की तरह एक दहाड़ है, पूरे देश में दहाड़ है, उस सत्य की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। और जब शेर दहाड़ता है तो अमेरिका, जर्मनी, पूरी दुनिया में वो आवाज हर तरह से गूंज रही है। डिबेट और डिसेंट, ये डेमोक्रेसी के एसेंस हैं। एसेंस कि तुमसे अगर कोई रग नहीं मिलती तो वो पार्लियामेंट में बोलेगा और बताएगा। ऑपोजिशन का रोल है ये, तुम्हारे शब्दावली, अरे मेरे दोस्त तुमने क्या क्या नहीं बोला, फिर तुम करो तो न्यारी लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला, ये कहां का इंसाफ है। इंसाफ नाम की चीज नहीं रह गई कोई। कॉन्स्टिट्यूशन को अपना ग्रंथ मानता हूं मैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आता है इक्वालिटी, सबका साथ और सबका विकास, कहने को तो यह है, पर क्या किसी गरीब तक लोगों की ताकत पहुंची है। डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों की ताकत लोगों तक पहुंचे, लोगों की ताकत लोगों तक नहीं, चंग पूंजीपतियों तक सीमित होकर रह गई है दोस्त। तानाशाह। लेकिन आज मैं तुम्हें कहता हूं, पूछो जो न्याय है। न्याय एक ऐसी संस्था है, न्याय की संस्था, इलेक्शनों की संस्था, इलेक्शन कमीशन है, जो उच्च न्यायपालिका है वो सबसे बड़ी संस्था है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी, पीछे हो मित्रा, कोई रोल नहीं, अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी जो कर रहे हैं पंजाब च, थोड़े बच्चों लिए कर रहे हैं मित्रा, मैं अपने लिए नहीं कर रहा, देही दाते लाऊं। नवजोत सिंह सिद्धू, संस्थाएं, ये संस्थाएं पवित्र थी। कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की संस्थाएं चलाती हैं उन वैल्यूज को, वो है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत। वो संस्थाएं आज गुलाम हैं, वो संस्थाएं आज दो लोगों की सुनती है, चार लोगों की सुनती है, छह लोगों की सुनती है, ज्यादा नहीं। उन संस्थाओं को लोक भलाई के लिए काम करने के लिए नहीं, उन संस्थाओं को रबड़ के गुड्ढे बना दिया गया है और वो रबड़ के गुड्ढे चाबी देके छोड़ दिए गए हैं। मैं घबराता नहीं हूं, मौत से मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं वो पंजाब की अगली पीढ़ी के लिए कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए नहीं कर रहा हूं। और मैं आज आपको कहता हूं, मेरी वाइफ कैंसर से पीड़ित थी, छुट्टी लेता तो ये नहीं होता। मैं आज भी इनमें भगवान देखता हूं और मैं आपको कह रहा हूं, छाती हो, मैं आज भी कह रहा हूं कि राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। और आज अंबेडकर सर की फ्रेटर्निटी का मतलब होता है हम परिवार हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लोग हैं,
अलग अलग कल्चर है हमारे, लेकिन हम परिवार की एकता में बंधे हुए हैं। उस परिवार की एकता को तोड़ा जा रहा है और उस परिवार की एकता का रखवाला राहुल गांधी है। मैं चट्टान की तरह इस मुसीबत के टाइम में हर कांग्रेस के वर्कर के साथ, प्रियंका गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, खड़ा रहूंगा उस्ताद। और दूसरी बात, इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है पंजाब में। बताएं पंजाब के लिए क्या किया है, हैं? कुछ नहीं। राष्ट्रधर्म यही कहता है कि पंजाब के लोगों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए ये सत्य बोले जाएं। जहां जहां माइनॉरिटी है, जहां जहां हिंदुत्व का एजेंडा चलता नहीं, कश्मीर में मुस्लिम भाई मुख्यमंत्री बनता है, यहां सिख मेजोरिटी में तो सिख मुख्यमंत्री बनता है, जहां जहां पंजाब के लोग कहते हैं पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जीवे गुरां दे नाम, पंजाब जीवे गुरां दे नाम, और वो गुरुओं के नाम जीने वाला पंजाब, उसके परिवार को तोड़ा जा रहा है, खौफ फैलाया जा रहा है वोटों की पोलराइजेशन के लिए। मैं जिंदगी में एक बार मरूंगा, बार बार कायर मरते हैं, समझे नहीं, मुझे किसी भी जेल में डालो। और मैं आज आपको कह रहा हूं, इतिहास गवाह है, 323 में आज तक, 323 में किसी ने हफ्ता कैद नहीं काटी, हफ्ता कैद, और कभी आज तक रिव्यू नहीं हुआ। तो सिद्धू क्यों आया जेल में? एक मिनट, सिद्धू जेल में इसलिए आया कि वो संस्थाएं मेरे पूर्वजों ने स्थापित की थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पूर्वजों ने स्थापित किया था, और वो संस्थाएं, उनकी इज्जत करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू इस जेल में आया, एक बार भी उफ नहीं की। हर रोज कोई ना कोई, लोकतंत्र नहीं षड्यंत्र होता था जेल के अंदर। सर आपके सामने ही आज क्या हुआ, क्या हुआ? सवेरे सरकार वेट कर रही थी कि टीवी वाले कब जाएं, सत्य सुनने का मादा नहीं, और ये लोग कब जाएं? कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई बर्फ की डली नहीं है, पिघल जाएगा। खड़े हैं वो आज भी, खड़े हैं वो। सर जेल के अंदर, दूसरी बात, नहीं, यहाँ आज की बात कर रहा हूँ, पहले भी हुआ, छोड़ रहे हैं जी, मैंने कहा छोड़ दो, हाँ? इसलिए मैं कहता हूं कि जो सत्य की आवाज है वो बिल्कुल सही है। और मैं आज अपने छोटे भाई भगवंत मान को पूछना चाहता हूं, मैं उसको भगवंत मान को पूछना चाहता हूं कि बड़े दमगजे मारता था भाई तू, हैं? जब सत्ता में नहीं था तुझे किसी ने नहीं रोका, चुटकले सुना, सपने बेचे तुमने, झूठ बेचा तुमने, पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाया, और आज तुम एक अखबारी मुख्यमंत्री बन के रह गए हो, अखबारी मुख्यमंत्री। और ये लॉ एंड ऑर्डर जो है, ये लॉ एंड ऑर्डर, जान माल की सुरक्षा, मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ करेंगे। अरे सिद्धू एक मरवा दिया, तू दो और मरवा, इश्क जिनको है वतन से खुद ही को मिटाते रहेंगे, शम्मा महफिल में जलती रहेगी, सिद्धू जैसे परवाने और भी आते रहेंगे। एक बात याद रखना, अब भगवंत मान की बात मैं कह रहा हूं ना, भगवंत मान साहब मैं याद कराता हूं, छत्तीस हजार प्रोफेसर हरे पेन नाल आंदे ही पक्के करा, किथे गई स्याही, किथे गई मित्र प्यारे तेरी स्याही। ते जदों बिजली फ्री देण दी गल कीती सी, लोकां नूं दस्या सी भी करजा चुके 25,000 दा, 25,000 करोड़ दा तू फ्री बनेगा किसे नूं, ते ओ करजा किने मोड़ना मित्रा, ओ करजा पंजाब दे लोकां ने जवाक जमदा 1,00,000 करोड़ रुपये दा करजा हुंदा उहदे सिर ते, ते अज तां तू लेटिया पिया सेंटर दी सरकार दे मूहरे। उदों तू चन्नी नूं कहिंदा सीगा BSF क्यों आई, BSF क्यों खड़ी इत्थे, किहड़ी डील करके आया, ते हुण मैं तैनूं पुछदा भी सारे बार्डर से BSF खड़ी है, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर BSF खड़ी है, सेंटर भी उन्ना जिम्मेवार है इस लॉ एंड ऑर्डर का, जिनी साड़ी सरकार जिथे पक्ष लैन वाली गल है। दूसरा केजरीवाल साहब, तो तू एक बीबी कहती सी शीस लहा देंगे तईयो फसलों के उत्ते, MSP देंगे शीस ला लो, कितने शीस
बरगाड़ी का इंसाफ कैप्टन अमरिंदर सिंह लाया उहदे ते बरगाड़ी का इंसाफ 24 घंटे में हो जाएगा। पैसे पैसे सुन ला मित्रा, तू मेरा छोटा भाई है भगवंत मान साहब, मैं सोचता ही तेरा शेर वर्गा दिल हो, पर तू आज बड़ी छोटी गल की नवजोत सिद्धू लई। मैं कोई गल नहीं, तू मेरा छोटा भाई रहेगा हमेशा, सुन ला मित्र प्यारे, मित्र प्यारे 50,000 करोड़ कित्थे है, कित्थे है? केजरीवाल साहब जिहड़ा कहिंदा 20,000 करोड़ रेते चो कढूं ते 30,000 करोड़ बजट चो कढ लूं फिर पंजाब दे लोकां दे लाऊं, 2 रुपये नहीं कटे। तुसीं कहिंदे हो रेता लोकां लई खोलता, रेता अज भी ठेकेदारां लई खुल्ला है। रेते दी ट्राली जदों कांग्रेस दी सरकार सी 3700 रुपये 3 सैकड़ा सी, अज 12,000 रुपये 3 सैकड़ा, किहड़ा गरीब ले लू सारी रुक जूगी। फिर एक्साइज पॉलिसी, तू कहिंदा सी कारपोरेशन बनावांगे, रेते दी कारपोरेशन बनावांगे, लख नौकरियां देंगे, बस कित्थे आ बजट? कदे दस्या किसे नूं भी पैसे लियाएंगा कित्थों? अखबारां च विकास कराया, लोकां दा मूर्ख बनाया है जी, अखबारां च फोटोआं खिचाण तों एडवर्टाइजमेंटां देण तों वेल नहीं मिलिया, धूड़ च यारो तू टट्टू उड़ाया है। एक गल सुन लो एक गल सुन लो ध्यान नाल, पावर सेंट्रलाइज कर ली, 30-30 मिनिस्ट्रियां एक बंदे दे कोल ने, पंजाब दा विकास ठप पिया, लोग त्राही त्राही करते हैं, समझे नहीं? डाक्टरां दी गल इन्हां नूं यही नहीं पता भी MLA हैं कि नहीं, जाके उत्थे हस्पतालां च खड़ जांदे आ, डाक्टरां नूं गालां कढ़न लाइंदे आ, किहड़ा कानून बनाया मैनूं दसण? फिर कहिंदा मैं इहनूं अंदर दे दूं, मैं उन्होंने अंदर दे, ओ मैनू दे, ओ मित्रा अंदर तू जिथे देना। विजिलेंस इंक्वायरी काफी चल रही है, मैं कहा जिन्नी मर्जी कर, जड़ा करप्ट है फिर उदों पैसे बरामद कर, की फायदा होया? जे तू किसी नू जेल च दिता उदा मकान सीज कर, उदे पैसे जड़े उन्हें करप्शन दे कीते सीगे पंजाब दे खजाने जमा कर, किन्ने पैसे जमा कराए तै? जे कांग्रेस सीगी ते 16,000 करोड़ रुपया साल का चढ़ता सीगा कर्जा, तेरे होंदे 25-30,000 करोड़ चढ़ गया। PSPCL की मैं गल नहीं कर रहा, तनखा नहीं दी जानी मित्रा, जितने सेंटर ने बंद करता, ठूठा लैके तू 40,000 करोड़ रुपया मंगन गया मित्र प्यारे। कानून व्यवस्था के बारे मैं सिद्धू मूसे वाले के घर जाके बोलांगा।